दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं बता दूं आपको, इस समय मैं राजधानी लखनऊ के वार्ड 61 में हूं। और एक बात और बता दूं, जब भी बारिश आती है तब तब नगर निगम की पूरी पोल खुल जाती है। पीछे आप देख रहे हैं एक मंदिर है, मंदिर को पहले दिखाऊंगा। वहाँ पे लिखा हुआ है पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि संजय गांधी पुरम में आता है। और उसके जस्ट सामने आप देख रहे हैं लगभग 7 से 8 फीट गहरा एक नाला है जो कि खुला हुआ है। इस पर ढक्कन होना चाहिए था, ढक्कन बिल्कुल नहीं है। और आप देख रहे हैं इसकी लंबाई लगभग 20 फीट तो होगी लंबान में, और अंदर गहरान की अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 से 8 फीट है अंदर। यहां पर अगर लोग जाते होंगे तो डूब जाते होंगे अगर बारिश का अगर मौसम है तो। यहां पे लोगों से बात करूंगा और जानूंगा किस तरीके की समस्या हो रही है। एक बात और आपको बता दूं, जो मुझे यहां के जो लोकल से जब बात किया यहां पे आने से पहले स्टार्टिंग में, तो वो मुझे ये पता चला कि इसका जो ढक्कन जो इसके ऊपर जो लगा हुआ था, इस नाले के ऊपर की जो छत थी वो पिछली ही बारिश में गिर गई है। यानी 2021 में 2022 आ चुका है, एक साल में क्या प्रोग्रेस हुई वो आपके सामने है। एक एक करके यहाँ के लोगों से जानूंगा, स्थानीय लोगों से, और जानूंगा किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ एक भैया खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भैया नाम क्या आपका? भैया शिव विशाल गुप्ता। कहाँ पर रह रहे हैं? मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, ये जो नाले की समस्या देख रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? इस नाले की समस्या भैया बहुत है, ये लगभग साल भर से बन नहीं रहा है। अभी आधा इन्होंने बनाया है और पूरी तरह से बनाया भी नहीं है। और जो है इसमें हमारे बच्चे भी गिर जाते हैं। अभी कल ही एक महिला गिर गई यहाँ पर आते हुए। यहाँ सामने ही मंदिर है, पीछे भी मंदिर है। मंदिर में आते वक्त एक महिला भी गिर गई थी जिसको हम लोग ने बचाया। उसका टांग टूटते टूटते लगभग बच गया। वो मतलब समझ लीजिए कि जो है बच गए किसी हिसाब से। अच्छा, वरना एक बात और करूँगा, क्या कभी पार्षद से या नगर निगम जा करके कभी कंप्लेन की आप लोगों ने? जी कंप्लेन की है हम लोगों। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्षद कभी आते भी हैं क्षेत्र में? पार्षद कभी कभी आते हैं फिर आके चले जाते हैं। आते हैं और आगे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा कि इसका निर्माण हुआ, निर्माण क्या क्या हुआ? निर्माण क्या, यही ये दीवारें उठी हैं, दीवार पूरी एकदम धस गई थी और ये आधा काम करके चले गए हैं। और ढक्कन ऐसे खुला हुआ है? खुला हुआ है, बस ये खुला हुआ है, इसमें सब गिर जाते हैं। गिर जाते। देखिए और लोग भी हैं, एक दादी खड़ी, इनसे बात करते हैं। दादी आपका नाम क्या है? चंदा देवी। अच्छा चंदा जी, आप कहाँ पर रहती हो? हम यही रहते हैं। ये बगल वाला मकान आपकी है? हाँ, ये जो नाला जो खुल गया है इसको लेके किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं? अरे बहुत दिक्कतें हैं भैया, घर में पानी घुस जाते, पार्सल सब मकान भर गए हमारे। और का वही बात, फिर से बारिश आ गई है। और फिर बारिश आ गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहीं कंप्लेन करी आप? हाँ कंप्लेन बहुत हो गया है, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा आपको एक बात और बता दूं, जब भी बारिश आती तब भी नगर निगम की पोल खुलती कैसे है? नाले अक्सर भर जाते हैं, ओवरफ्लो करने लगते हैं, क्योंकि अक्सर होता क्या है, सड़क का जो निर्माण कार्य होता है उससे लेवल अप हो जाता है, उसके कारण पानी जो होता है जो आम पब्लिक होती है उनके घरों में घुस जाता है। और देख रहे हैं नाला अभी भी ओपन है। दादी से बात कर रहा हूँ, ये बताइए घर में किस तरीके की समस्याएँ आपको होती है बारिश? अरे बहुत समस्या होती है भैया, पूरा पानी हमारा कमरा भर जाते हैं, नीचे सारा कमरा पर साल भर गए रहे, और फिर जल लागत है, रात बिरात बरसाए तो फिर भर जाए पानी, दिक्कत होगी। हाँ बहुत दिक्कत है। किस तरीके की तैयारी है आपकी? अब तैयारी भैया कहाँ बताए, जब पानी बरसे तो फिर भर जाए। अच्छा एक बात बताओ, लोटा लेके चाची कभी पानी उलची हो कि नहीं? उलचन हाथन से उलचन, बल्टी से उलचन, उलचन का है नहीं तो काफी समस्या और हो रही है। बहुत समस्या है। और नगर निगम में कभी कंप्लेन करी हो? आ, बहुत कीन गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा पार्षद आते हैं कि पार्षद आते भी नहीं है? आते हैं, आते तो हैं, देख के चले जाते। कुछ कहते हैं? कुछ नहीं कहते, तुम लोग ना करो हम करवा दे, आज तक नहीं करवाया, एक साल बीत गए। और का साल भर एक साल बीत गए, अभी तक के कोई काम हुआ ही नहीं है। चाचा भी है, चाचा से बात करें। नाम क्या चाचा आपका? शिव गोविंद मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी एक बात करें, कहाँ पर रहते हैं पहले ये बताइए? बस ये मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी हैं तो ये समस्या आप लगातार देख भी रहे होंगे? लगातार देख रहे हैं भैया। कभी किसी से इसके लिए शिकायत करी? शिकायत की गई, नगर निगम में की गई है, सभा सदस्य की गई है, लेकिन आकर के लोग चले जाते हैं, उसकी समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा। कभी नहीं हुआ ना?
अच्छा, यहाँ पर पूजा करने के लिए भी लोग आते होंगे, तमाम श्रद्धालु आते होंगे, उनको किस तरीके की दिक्कत होती है? काफ़ी लोग आते हैं, उनको बहुत बड़ी दिक्कत होती है, फिसल जाते हैं, गिरने का अंदाज है। मंदिर जो है बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, मंदिर भी गिरने की आशा है, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, बदबू आती है, नाला खुला है। आपको बता दूँ, ये पब्लिक प्लेस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली प्लेस तब बन जाती है जब वहाँ पे कोई भी दुर्घटना घटने की स्थिति हो, और दुर्घटना घटने की साफ स्थिति यहाँ पर दो मंदिर हैं। जाहिर से बात है, यहाँ पे तमाम श्रद्धालु आते होंगे पूजा करने के लिए, तमाम लोग यहाँ पर पूजा करने लगातार आते होंगे, लेकिन नाला है, खुला हुआ है, और भी लोग हैं, एक एक करके और भी बात करते हो, जानते हैं कि क्या समस्याएँ क्रिएट हो रही हैं। आपसे बात करूँगा, आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। कहाँ पर रहते हो? यहीं रहते हैं, बगल में। कभी पार्षद जी से कंप्लेन करी? कंप्लेन बहुत बार सर की आए, देख के चले जाते हैं, थोड़ी दीवार बनवाई है। बनवा दी? बस दीवार बनवाया, ढक्कन लगवाया नहीं, कई साल भर हो गया करीब पड़ा हुआ ऐसे ही। अच्छा, आपने सुना होगा काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई, कुछ लोग गिर भी गए, लगभग कितनी ऐसी कंप्लेन आपने सुनी? कुछ सुनने कम से कम 8 से 10 हो गई हैं। 8 से 10 साल गए अंदर गिर गए जी। चलिए, और भी गाय गिर गई थी, एक बार गाय गिर गई, रस्सा डाल के खिंचवाया बाहर, गाय भी अंदर गिर चुकी, और गाय एक बार गाय गिर। अच्छा, इसमें पानी कितना ऊंचाई तक भर जाता है? पानी ऊपर तक ओवरफ्लो करता है ना, ओवरफ्लो तो करता है जी, घरों में पानी भर जाता है, इधर उधर घरों में पानी तक भर जाता है। भैया से बात करूँगा, भैया आपका नाम क्या है? जी भैया, मुकुल वर्मा। अच्छा मुकुल जी, कैमरा मैन से कहूँगा पीछे एक बार घुमाए, ये हमारी दुकानें हैं, ये बगल में देख रहे हैं भैया की दुकान है, और भैया की जस्ट दुकान के सामने ही ये बड़ा नाला खुला हुआ है। कभी पार्षद जी से कंप्लेन किया आपने? भैया पार्षद जी के तो फोन लगाते लगाते हालत खराब हो गई, वो कभी उनके उनकी तरफ से कुछ खास कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे, और बस आते हैं देख के फिलहाल उनके हिसाब से, जब पिछली बार उनकी जो लास्ट विजिट थी जब उनसे कहा गया तो वो कह रहे थे कि फिलहाल उनके हिसाब से काम खत्म हो चुका है, अब बाकी अब आप लोग अपने हिसाब से जो कराना हो आप लोग प्राइवेट करा सकते हैं। उनके हिसाब से काम खत्म हो चुका है, आप अपना प्राइवेट खत्म हो गया। उनसे भी यही कह के कहते हैं, ये पवन जी हैं, ये यहाँ पे रहते हैं सुबह, तो इनसे बात हुई थी, तो इनसे यही कह के कहते हैं कि भैया हमारी तरफ से काम खत्म हो चुका है, अब बाकी जो सफाई वफाई होगी वो देखा जाएगा, जब होगा तब करा दिया जाएगा। और ये समस्या जो ढक्कन जो खुला हुआ है, इसकी जो छत गिर गई है, ये कब से है लगभग? भैया ये पिछली बार जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, वही किसी टाइम ही जो बारिश हुई थी तब से गिरा हुआ, तब से ये बना नहीं है, लगभग 1 साल हो गए। अब तो हम इंतजार कर रहे हैं, अगर इस बारिश में हो गया तो ठीक है, वरना हम अपने पैसे से खुद करा लेंगे। इस बार हो गया तो हो गया, नहीं तो अपने पैसे से खुद कराना ही पड़ेगा सर, क्या करें, हमारे भी क्लाइंट आते हैं, हमारे भी कस्टमर आते हैं, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, आप देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है, लोग कूड़ा डाल जाते हैं। अच्छा एक बात और करूँ, लगभग इस नाले को क्रॉस करके उस पार लगभग डेली कितने आदमी जाते होंगे, क्योंकि यहीं पर कम से कम यहाँ पे मंदिर में रोज सुबह शाम मांगे 100 से ऊपर ही लोग आते जाते रहते हैं। ये तो कहिए कि वो मेरा पत्थर वहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो मैंने बनवाया था, तो वो है उस वजह से रास्ता बना, वरना मंदिर ब्लॉक हो जाता, मंदिर ब्लॉक हो जाता, और जब ओवरफ्लो करता होगा तो दिखता भी नहीं होगा यहाँ पर नाला है कि नहीं है ये सब। हाँ ओवरफ्लो होता तो दिखता भी नहीं है, और दूसरी चीज़ फिर बदबू और आसपास का माहौल सब खराब ही होता है, आगे रोड पर भी मंदिर है, पीछे भी मंदिर है, तो चीज़ें। अच्छा आपसे एक बात और करूँ, यहाँ इस नाले के अंदर अभी बात करूँ, पिछले 1 साल में कुछ लोग गिरे भी हैं या गिरे? हाँ कम से कम 8 से 10 लोग गिरे भी हैं, और जिसमें से जानवर भी गिरे हैं, लोग भी गिर गए हैं, इस वजह से दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। नगर निगम में सुनवाई नहीं है इस तरीके कहना, पार्षद जी आते हैं लेकिन आश्वासन देकर चले जाते हैं या फिर देखते ही नहीं। एक भैया जिनका नाम लिया जा रहा था, पवन जी, उनसे भी बात करते हो, जानते हैं पार्षद जी उनसे ही क्या कह के गए। पवन जी आप ही का नाम है जी, क्या पार्षद जी कह के गए आपसे? वो यही कह रहे हैं इसमें क्या देखना, इसमें अभी मलबा भी नहीं निकला है ना, ये जब तक मलबा नहीं निकलेगा, बरसात भी आ गई, तो उस दिन हमारे सामने मतलब आए थे तो बता रहे थे, 2-3 आदमी थे, लेकिन वो कह रहे इस मशीन से होगा, तो जब मतलब मशीन आएगी तभी ये निकल पाएगा। अच्छा आप लोग लोकल लोग हैं, क्या समस्या आ रही है ये तो बताया होगा पार्षद जी ने? पानी भर जाता है इसमें, मतलब गड्ढा अड्ढा भी, बाढ़ आएगी जी जी जी। जब पिछली बार जब टूटा था तो वो खुद भी यहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने खुद देखी थी दिक्कतें, वो संजय गांधी पुरम का सब पूरा ड्रेनेज सिस्टम यहीं से, यहाँ पे अभी कोई कुछ नहीं कह रहा, अभी जब पानी कसके बरसेगा तो सब यहीं आगे खड़े होकर फोटो खींच के फिर चले जाएंगे। भी नहीं पानी जी, ये सड़क का पानी जाएगा कैसे, दीवार के ऊपर से थोड़ी ना जाएगा, इसमें निकालने के लिए कोई गड्ढा अड्डा भी नहीं दिए, बस गड्ढा भी दिया, क्या कह रहे हैं भाई, बस रिपेयरिंग करके चले गए, बाकी छोड़ दिया ना, और खाना पूर्ति हो गई, काम कुछ नहीं। हाँ बस काम कुछ नहीं किया। तो आप ये देख रहे थे यहाँ की, मैं आम जनता से बात कर रहा था, इसी नाले की बात हो रही है जिसकी छत गिर गई है। देखने वाली बात होगी खबर चलने के बाद किस तरीके से प्रशासन एक्टिव होता है, और पार्षद जी जिनकी बात हो रही यहाँ तक आते हैं और कोई भी बात करके पब्लिक के
चले जाते हैं, बिना बात किए हुए चले जाते हैं। किस तरीके से वो एक्टिव होते हो, किस तरीके से प्रशासन एक्टिव होता है और नगर निगम इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।